तो दोस्तों, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का पहला मैच है वुमेन चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच। वैसे तो इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही था कि लिव मॉर्गन बेकी लिंच को हरा के बन जाए न्यू वुमेन चैंपियन, लेकिन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बैक स्टेज में डोमिनिक मिस्टेरियो आए और डोमिनिक ने लिव मॉर्गन को ये कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम चैंपियनशिप जीत नहीं पाओ, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि लिव मॉर्गन के जीतने के चांस काफी ज्यादा है। डोमिनिक कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी जिसका फायदा उठा के लिव मॉर्गन बेकी लिंच हरा के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है बेकी लिंच और लिव मॉर्गन में से ये मैच कौन जीतेगा, बेकी लिंच या फिर लिव मॉर्गन। और मेरे साथ बने रहिए, रेसलिंग क्राउड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के सारे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के किक ऑफ शो में बियांका बेलर और जेड कार्गिल ने अपने टैग टीम टाइटल को बचा लिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।